ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। जानकारी मिली कि भोजपुर जिले के स्कुलेड़िया गांव में पिछले दो महीने में करीब 80 से 100 लोगों की जान गई है। वैश्विक महामारी में पार्टी स्तर से हटकर अब मानवता दिखने लगा है। राष्ट्रीय स्तर के सभी राजनीतिक पार्टियां आम आवाम को राहत देने के लिए धरातल पर कार्य कर रहे हैं। उसी कड़ी में बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष गुंजन पटेल भोजपुर के कुलरिया पहुंचे। ऑक्सीजन, दवाइयां एवं जरूरी सामान लेकर युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गुंजन पटेल अपने पूरे टीम के साथ पहुंचे। अब सैनिटाइजर है, इसमें मास्क है, पैरासिटामोल है, टोटली किट है, टोटली किट, विटामिन D3 है, डी है, सी है, सारा कुछ है, सिट्रेजिन है जो सर्दी खांसी का होता है। दो भाइयों का परिचय लोग इसमें। गुंजन पटेल ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से गांव में के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एवं भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी के निर्देशानुसार हम सभी महामारी की शुरुआत से ही लोगों की मदद कर रहे हैं और कई गांवों में कोविड किट्स भेज चुके हैं। इसी क्रम में कुलरिया गांव की ग्राउंड रिपोर्ट, जीरो रिपोर्ट मिलने के बाद हम सभी साथी गांव वालों के लिए ऑक्सीजन, कॉन्सेंट्रेटर, सिलेंडर, दवाइयाँ, मास्क, सैनिटाइजर और होम आइसोलेशन किट्स लेकर आए। इन सामानों को उपलब्ध कराने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि आपात स्थिति में लोगों की जान बच सके। और माइक इन्होंने हमारे माता महाकल्याणेश्वरी दुर्गा पूजा कमेटी के सचिव और अध्यक्ष महोदय को उन्होंने सौंपा है, तो मैं पूरे ग्रामवासियों की ओर से इस दुख की घड़ी में साथ देने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। और हम चाहेंगे कि ऐसे बार बार चाहे कहीं भी परेशानी लोगों को आवे, आपदा आवे, तो उसमें इस तरह से समाज के लोगों को, राजनीति करने वाले लोगों को, नेतृत्व करने वाले लोगों को आगे आना चाहिए। और क्या चीज़ है इसमें? देखिए, हमने जानकारी मिली कि भोजपुर जिले के स्कुलेड़िया गांव में पिछले दो महीने में करीब 80 से 100 लोगों की जान गई है। और हम लगातार पूरे बिहार के अलग अलग ज़िलों में जहाँ तक हमसे बन पा रहा है, हम लोग वहाँ पर जो ज़रूरतमंद ज़रूरत की चीज़ें हैं वो तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम लोग यहाँ कुलहड़िया में आए हैं। यहाँ ग्रामीणों से, यहाँ के आम लोगों से, यहाँ से बातचीत कर पता चला कि स्थिति बहुत भयावह रही। सही स्थिति में जांच नहीं हो पाने के कारण काफ़ी लोगों की जाने गए और पता भी नहीं चल पाया कि उनकी जान जाने के कारण क्या थी। हमने अपने तरफ से प्रयास किया है कि विपरीत परिस्थिति के लिए एक ऑक्सीजन कंसनट्रेटर, एक ऑक्सीजन सिलेंडर, अगर अस्पताल जाने में अगर सुविधा के लिए एक ऑक्सीजन सिलेंडर, आइसोलेशन किट जिसमें जरूरी पारासीटामोल, विटामिन सी, डी, कप सिरप, सैनिटाइजर, मास्क का एक किट बना हुआ है और खांसी सर्दी रहने की स्थिति में सिट्रिजिन दवाइयाँ और कुछ वेपोराइजर ताकि वो स्टीम लें, तो हम लोगों ने उपलब्ध कराया है। और आगे भी हम संपर्क में रहेंगे और अपने तरफ से प्रयास करते रहेंगे कि जो भी संभव हम लोग सहायता पहुँचा सकें हम लोग पहुँचाते रहेंगे। इस मौके पर रिलीफ टीम के सदस्य कुमार रोहित, अभिषेक द्विवेदी, मुकुल यादव, बिट्टू यादव एवं भोजपुर युवा कांग्रेस अध्यक्ष आशुतोष ठाकुर, शक्ति सिंह, मनन जी, टुन्नू सिंह, संजीव सिंह उपस्थित रहे।